और इसमें एक किरदार है एमएलए जैनजा करके, तो वो उसे तो आर्ची के कहने पर वो तो उसको पीट भी देता है, मतलब अपने जहाँ पे वो रहता है नेबरहुड के बंदों को बुला लेता है वो, और उसको खूब मार भी लगाता है। तो मतलब एक छोटे से मतलब एक ये मॉब मेंटेलिटी को मतलब दिखा रहा है कि मॉब मतलब जहाँ जा रही है कि मतलब जो मॉब मेंटेलिटी, ये चीज़ जो चीज़ें हैं मॉब मेंटेलिटी को दिखा रही है कि जो मॉब मेंटेलिटी होती है वो क्या होती है, कि वो अपने से अगर कोई बंदा अलग जा रहा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करती। वो मतलब एक भीड़ की एक सोच को दिखा रहा है ये जो ये दृश्य है, जो इसमें जो प्लॉटिंग है जो सीन की, वो एक मॉब मेंटेलिटी को दिखा रही है। तो बाद में अब जेरी काफ़ी पिट गया होता है उस एमिली जेंजा से, और मतलब जो उसने पिटवाया होता है बंदों से उसे, फिर ये जो आर्ची होता है ना द विजिल्स का जो वो होता है लीडर, ये क्या करता है कि अब इसने हर रेस्टोरेंट को ना 50 बॉक्स बेचने होते हैं चॉकलेट के। तो आर्ची तो जो जेरी है उसने तो अपने 50 बॉक्स बेचे नहीं होते, तो वो जो इन 50 बॉक्सों को ना अपने पास रख लेता है क्या नाम है इसका आर्ची, और इन 50 बॉक्सों को क्या करता है कि एक फाइटिंग एक रेसलिंग या फिर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करवाता है स्कूल से दूर एक एथलेटिक ग्राउंड होता है वहाँ पे, और सभी मतलब सभी स्टूडेंट्स को बुलाता है और इसमें टीचर्स की एंट्री नहीं होती। तो एक एक प्लान कॉन्कॉक्ट करता है कि क्या बोलते हैं एमिली जेंजा होगा रिंग के अंदर, और रिंग के अंदर होगा जेरी रेनॉल्ट। तो जो जब ये भीड़ के अंदर वो टिकट्स वगैरह मतलब स्टूडेंट्स टिकट्स ख़रीदते हैं और उससे इस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के अंदर भाग लेते हैं, तो काफ़ी बिजनेस भी बन जाता है कि भाई सारे बच्चों ने टिकट लिए हैं पैसों से। और इनाम में क्या होता है, इनाम में बस ये होता है कि इनाम में ये होता है कि जिसके मतलब हर बंदा जो इसमें बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में टिकट जिसने लिया है उसको एक पर्ची पे लिखना होगा कि मान लो कि जो एमिली जेंजा है वो क्या नाम है इसका जेरी को कैसे मारेगा, मतलब पंच यहाँ से मारेगा है ना, मतलब लेफ्ट जॉ पे पंच मारेगा, राइट जॉ पे पंच मारेगा, कैसे पंच मारेगा। तो मतलब हर बच्चा टिकट के हिसाब से ही लिख सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने 2 टिकट खरीदी हैं तो वो क्या बोलते हैं दो उसमें वो लिख सकता है अपनी मतलब फरमाइश है कि मान लीजिए अगर वो जैरी को सपोर्ट कर रहा है कि जैरी को एमिली जेंजा को राइट जॉ पे मारना है या फिर लेफ्ट जॉ पे मारना है। मतलब ऐसे बहुत सारी वो हैं, कुछ रूल्स इसमें बनाए नहीं गए थे। तो एंड में क्या होता है कि कुछ इन्होंने जैसे रूल्स वगैरह कुछ बनाए नहीं होते, तो जो एमिली जेंजा होता है वो जेरी को पेल्विक रीजन में मारने की कोशिश करता है, और इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको कोई मारेगा ना तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, मतलब आप मतलब पलट वार नहीं कर सकते, बस आप अपना आप उसको सहते रहो, मतलब उसके खिलाफ़ आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते। मतलब आपको कोई मार रहा है तो बस आप सहते रहो, जब आपकी बारी आएगी आपको मारने का चांस मिलेगा। पर क्योंकि जो पेल्विक रीजन पे जो जो मारने की जो वो है वो एक इलीगल मूव होती है रेसलिंग के अंदर बॉक्सिंग के अंदर, तो वो जैरी जो है वो अपना बचाव करने की कोशिश करता है, और बचाव करने की कोशिश करता है तो वो जो एमिली जेंजा होता है वो थोड़ा इससे हैरान हो जाता है कि ये अपना बचाव कर रहा है, मैं अपने बारे में अपना बचाव नहीं करता। तो फिर जब जैरी को मारने का चांस मिलता है एमिली जेंजा को, तो वो मारता है एमिली जेंजा को, पर वो देखता है कि यार मैं तो अब क्योंकि वो एमिली जेंजा को उसने मार दिया, तो उसे लगता है यार कि मैं तो इन्हीं लोगों का पार्ट बन गया, कि ये जो लोग मुझे यहाँ पे मरते हुए देखने के लिए आए हैं और मैं इन्हीं को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब ये तालियाँ पीट रहे हैं तो मैं खुश हो रहा हूँ। फिर उसकी जो माँ होती है जेरी रेनॉल्ट की, वो मर गई होती है, तो एकदम से उसे अपनी माँ का चेहरा मतलब ध्यान आता है कि
क्या मेरी माँ इसको देख के खुश हो रही होगी कि मैं किसी को, मैं मतलब एक जानवर बन चुका हूँ और किसी को मारने में मुझे, मैं किसी को मारने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं खुश हो रहा हूँ और लोगों की तालियों से मैं इतना प्रभावित हो रहा हूँ। तो इसी दौरान क्या करता है वो, जो एमिली जेंजा होता है वो, क्योंकि जैरी के जो पंच से काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे चोट लगी होती है, तो वो फिर से पलटवार करता है और उसमें मतलब जैरी को बहुत मारता है वो। तो जैरी को बहुत मारता है तो जैरी मतलब बहुत मतलब वो मतलब अधमरी सी हालत में हो जाता है। अब ये एंड का पार्ट चल रहा है ये। तो ब्रदर लियोन को मतलब सब पता होता है ये सब, और वो मतलब क्योंकि टीचर्स की इसमें एंट्री नहीं होती इस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, पर उसे पता होता है क्योंकि ब्रदर लियोन जैरी से काफ़ी चिड़ा होता है ना, तो इस वजह से मतलब वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक मीक सपोर्टर के फॉर्म में वो देख रहा होता है दूर से। इसमें एक और टीचर है ब्रदर जेक्स, वो आता है और जो बॉक्सिंग जहाँ रिंग है उसकी लाइट बंद कर देता है, तब जाके जो फाइट जो है वो बंद होती है एकदम से। एम्बुलेंस आती है और वो जैरी को हॉस्पिटल ले जाती है। और एंड में आर्ची और ओबी वही द विजिल्स का एक मेंबर होता है, वो आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं ऐसी, मतलब नॉर्मल टॉक चल रही है, मतलब कोई हॉस्पिटल पहुंच गया, एम्बुलेंस ले गई किसी को हॉस्पिटल, और यहाँ पे इनकी अपनी नॉर्मल टॉक चल रही है कि क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है, बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है। फिर एकदम से लाइट क्लोज हो जाती है और ये दोनों बाहर चले जाते हैं। इस मतलब एंड कुछ इस तरीके का है, मैं आपको एंड पढ़ के दिखा देता हूँ। यू गॉट अ हर्शी और एनीथिंग, हर्शी जैसे आपको पता होगा एक चॉकलेट और ये सीरप वीरप भी आते हैं हर्शी के। यू गॉट अ हर्शी और एनीथिंग, ये मतलब ये कह रहा है, आर्ची कह रहा है, तो वो भी कह रहा है नो। द लाइट्स वेंट ऑफ अगेन, आर्ची एंड ओबी सैट देयर वाइल नॉट सेइंग एनीथिंग एंड देन मेड देयर वे आउट ऑफ द प्लेस इन द डार्कनेस। तो इस तरीके की ये कुछ किताब है। तो मतलब इस किताब में आपको ये पढ़ने, ये देखने के लिए मिल जाएगा कि जो मॉब मेंटेलिटी होती है वो किसी एक इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करती और उसे मारने के लिए मतलब बिल्कुल आतुर हो जाती है। मतलब इसमें बीच में ऐसे वाक्य भी हैं बुक के अंदर कि उसे जैरी को मार दो, किल हिम। तो मतलब इसमें दिखा रखा है कि आप मतलब किस हद तक, मतलब अगर किसी के विचार आपसे थोड़े से अगर उलट हैं और आप वो चीज़ नहीं मानते और उसके विचार दूसरे हैं, तो हम कैसे मतलब उसको मारने तक आतुर हो सकते हैं। मतलब भीड़ इस तरीके से सोचते हैं कि हम दूसरे को मारने तक आतुर हो सकते हैं अगर उसके विचार हमसे नहीं मिल रहे या कुछ भी है। तो मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि शायद आप इससे कितना समझे होंगे, पर मैंने अपनी तरफ से बताने की पूरी कोशिश की। बाकी आप इस किताब को पढ़ भी सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो, किताब अच्छी है, आपको अच्छी लगेगी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और जो मूवी का जो जॉनर है वो यंग एडल्ट नॉवल है और ड्रामा से भरपूर है नॉवल। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।